आप सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट दो पढ़ रहे थे तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम लोग सड़सठ तक ही पढ़ पाए थे तो अड़सठ से लेकर के 125 क्वेश्चन जो शेष बचा हुआ है उसका श्रृंखला मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ वो वो प्रश्न मैं आपको यहाँ उसका वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए हमें खेद है इसके पहले का वीडियो आपका अधूरा रह गया ठीक है ना लेकिन यहाँ से देखिए फिर अड़सठ से हम लोग देखते हैं क्योंकि सड़सठ तक क्लियर है लेकिन अड़सठ से हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे देखिए हिंदी किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है ठीक है ना तो आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र या बदी नारायण चौधरी प्रेमघन नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा अड़सठ का सी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र को ध्यान रखिएगा प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है हिंदी का एडिशन कहा जाता है ठीक है ना और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है जो अंग्रेजी गद्यकार हैं एडिसन और स्टील अंग्रेजी गद्यकार हैं लेकिन हिंदी का एडिसन प्रताप नारायण मिश्र को और हिंदी का स्टील बालकृत भट्ट को कहा जाता है यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है ध्यान रखिएगा ठीक है ना आइए उनहत्तर हम लोग देखते हैं भारतीय युग के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली ठीक है ना अठारह में अठारह में अठारह में फिर अठारह में तो उनहत्तर का आपका हो जाएगा सी अट्ठारह सौ में सत्तर नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं फड़ेश्वर नाथ रेड की कौन सी रचना कहानी है मतलब कौन सी कहानी है आपको ये बताना है रसप्रिया है रसाखेटक है रसिक प्रिया है या फिर प्रिया नीलकंठी है तो सत्तर का ए रसप्रिया है ठीक है आइए इकहत्तर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं इकहत्तर बड़े घर की बेटी मिस पदमा ठाकुर का कुआ या फिर छोटा जादूगर तो जानते हैं छोटा जादूगर उनका नहीं जयशंकर प्रसाद जी का है बहत्तर देख ले जाए पर्दा कहानी के लेखक कौन है पर्दा कहानी यशपाल मोहन राकेश कमलेश्वर फिर राजेंद्र यादव तो बहत्तर का दोस्तों है ए यशपाल ठीक है ना कोशी का घटवार कहानी के लेखक कौन है तिहत्तर नंबर देखिए का घटवार कहानी के लेखक कौन है शेखर जोशी दूधनाथ सिंह फड़ीश्वरनाथ या फिर शिवप्रसाद सिंह तो तिहत्तर का आपका हो जाएगा ए शेखर जोशी ठीक है ना? चौहत्तर हिंदी कहानी को किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया चौहत्तर नंबर का क्वेश्चन हंस वचन सुधा सरस्वती या फिर इंदु? तो दोस्तों चौहत्तर का आपका हो जाएगा सी सरस्वती ठीक है आइए पचहत्तर नंबर के क्वेश्चन लोग देख लेते हैं महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है ऐतिहासिक राजनीतिक धार्मिक या फिर आंचलिक तो दोस्तों सही विकल्प का आपका हो जाएगा बी राजनीतिक छिहत्तर दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाया है आपको ये बताना है छिहत्तर नंबर का क्वेश्चन जो है सेवा सदन मंगल सूत्र प्रतिज्ञा फिर निर्मला तो निर्मला में उठाया है ठीक है ना आइए हम लोग अगला सतहत्तर नंबर के क्वेश्चन देखते हैं सतहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है सतहत्तर सारा आकाश आपका बंटी एक इंच मुस्कान या फिर मुर्दा सराय तो दोस्तों सही विकल्प का आपका हो जाएगा सतहत्तर का सी एक इंच मुस्कान और आपको मैं बता दूं कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों पति पत्नी हैं और दोनों लोग एक साथ एक इंच मुस्कान की रचना किए मनुष्य संयुक्त रूप से किए हैं ठीक है ना आइए अठहत्तर हम लोग देख लेते हैं भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है बहुत अच्छा प्रश्न है अक्सर पूछा जाता है ध्यान रखिएगा भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं शिवपूजन सहाय बेचन शर्मा उग्र जैनेन्द्र कुमार या फिर जसपाल तो अठहत्तर का आपका हो जाएगा ए शिव पूजन सहाय आइए उन्यासी नंबर के क्वेश्चन हम देखते हैं बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है एक मैने क्या है प्रेम कथा है संघर्ष कथा है मनोविज्ञान कथा है या फिर जीवन मूल्यों पर आधारित उदात प्रेम की कथा है तो आपको ये चार विकल्प में कौन सही है आपको ये बताना है तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है ठीक है ना 80 गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है क्या है गोदान उपन्यास मुख्य कथा का आधार प्रेम प्रपंच कृषक जीवन दहेज प्रथा फिर अंग्रेजी राज तो इसको आप जानते हैं भले भात जानते हैं आप गोदान के बारे में जानते होंगे तो कृषक जीवन पर आधारित है 81 सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं 81 आप इसको भी जानते हैं कर्मभूमि प्रेमाश्रय सेवा सदन और रंग भूमि तो ये हैं रंगभूमि में सूरदास जी का जिक्र किया गया वो इसके मुख्य पात्र हैं आइए प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है बयासी धर्मवीर भारती विचणु प्रभाकर पांडे वेचंद शर्मा उग्र फिर हरिकृष्ण प्रेम ये शर्मा में ये ये वाला ऐसे छूट गया है ठीक है शर्मा ये खड़ी पाई छूट गया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी विष्णु प्रभाकर ठीक है एक और दौड़ाचारिरासी तिरासी किसकी नाट्य कृति है सुरेंद्र वर्मा की है लक्ष्मी लाल की है शंकर शेष की है, फिर भी, साहनी की है तो तिरासी का हो जाएगा दोस्तों सी शेष चौरासी जो है रेशमी टाई एकांकी एक के रचनाकार हैं रेशमी टाई एकांकी एक के रचनाकार हैं कौन है मोहन राकेश डॉक्टर राम कुमार वर्मा फिर उपेंद्रनाथ अश्क फिर भगवती चरण वर्मा तो चौरासी का आपका हो जाएगा बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ठीक है ना आगे देखिए प्रेमचंद लिखित करबला की विधा है मान करबला किस विधा की रचना आपको ये बताना है कहानी है कि निबंध है कि नाटक है कि उपन्यास है तो दोस्तों पचासी का आपका हो जाएगा सी करबला मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक है आइए छियासी देख लेते हैं अंजो दीदी किस रचयिता के नाट्य रच रचना है ठीक है ना किस रचयिता की कि नाट्य रचना है आपको ये बताना है भुवनेश्वर का विष्णु प्रभाकर का राम कुमार वर्मा का फिर उपेंद्रनाथ अश्क का तो छियासी का आपका हो जाएगा डी उपेंद्रनाथ अश्क का सतासी देख लिया जाए सतासी नंबर का जो क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है तो सतासी का आपका हो जाएगा ए, बी क्या कल्याणी मगध की पटरानी है थोड़ा समय सभी विकल्प इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा और आपको शायद उबाऊ लगने लगे तो इसलिए जो ज़्यादा मतलब विकल्प है या ज़्यादा समय लगेगा तो उसको मैं सीधे आपको उत्तर बता दे रहा हूँ ठीक तो है ना तो कल्याणी मगध की पटरानी है आइए अट्ठासी हम लोग देख लेते हैं जैसे को तैसा नाटक के रचयिता का नाम बताइए जैसे को तैसा ये नाटक किसका है गोपाल राम गहमरी भारती हरिचंद जयशंकर प्रसाद है फिर इसमें से कोई नहीं तो अठासी का आपका है ए गोपाल राम गहमरी आइए नवासी देख लिया जाए अग्निली काव्य नाटक कृत के रचनाकार हैं कौन है आपको ये बताना है ठीक है ना तो नवासी आपका है लक्ष्मी नारायण लाल सेठ गोविंद दास भारत भूषण अग्रवाल न या फिर नरेश मेहता तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा सी भारत भूषण अग्रवाल ये अग्निल्ली नाटक के रचनाकार हैं भाषा योग वासिष्ठ नब्बे भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है आपको ये बताना बहुत आसान सा प्रश्न आप इसको जानते होंगे राम प्रसाद निरंजनी सदा सुख लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र तो दोस्तों नब्बे का आपका हो जाएगा ए राम प्रसाद निरंजनी इक्यानवे देख लिया जाए शकुंतला नाटक किसने लिखा है यह भी काफी अच्छा प्रश्न है अक्सर ये पूछा जाता है और आप इसको जानते भी हैं इक्यानवे भारत हरिचंद शिव प्रसाद सीता प्रताप नारायण मिश्र फिर राजा लक्ष्मण सिंह तो राजा लक्ष्मण सिंह है आइए बानवे का देख लिया जाए विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है कौन सा काव्य संग्रह है अनागत की आंखें मछली घर धरती और स्वर्ग सूर्य का स्वागत तो बानवे का आपका हो जाएगा बी मछली घर विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है आइए तिरानवे देख लिया जाए अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं कौन हैं नागार्जुन है शमशेर बहादुर सिंह है सरस्वतल सक्सेना फिर गजान माधव मुक्तिबोध हैं तो आपका तिरानवे का हो जाएगा डी गजानन माधव मुक्तिबोध अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं चौरानवे हमें प्रगतिवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना उक्त कथन किसका है अज्ञे जी का है कि मुक्तबोध जी का है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का है कि नारायण जी का है तो आपका चौरानवे का हो जाएगा ए ये बात न, ये जी का है सजान हीरान वसैन अग्ये जी की ये रचना है पंचानवे देख लिया जाए पंचानवे क्या कह रहा है इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं दूसरे सप्तक में संकलित कवि कौन है आपको बताना है रघुवीर सहाय केदारनाथ सिंह सर्वस्व शक्स न फिर नेमिचंद्र जैन तो ये हैं आपके पंचानवे का ए रघुवीर सहाय ठीक है ना छानबे देख लिया जाए छानबे प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है वह क्या है प्रगतिवाद के संदर्भ में तो दोस्तों मैं सीधे विकल्प आपको बता देना चाहता हूँ यही जो है उसमें सही कथन नहीं है बाकी सब है इसको देख लीजिए प्रगतिवादी जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है ये सही नहीं है क्योंकि ये ये आपका छायावाद का विशेषता है बाकी सब ये तीनों देख लीजिए बाकी विशेषता इसका सही है पढ़ लीजिए और समझ लीजिए ठीक आइए हम लोग आगे आते हैं ये संतानवे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं नागार्जुन का असली नाम क्या है आपको ये बताना नागार्जुन का असली नाम क्या है संतानवे कमलनाथ मिश्र राजनाथ मिश्र वैद्यनाथ मिश्र या फिर रामनाथ शर्मा तो आपका संतानवे का हो जाएगा सी वैद्यनाथ मिश्र आइए अंठानवे देख लेते हैं दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है अंठानवे नंबर का क्वेश्चन उर्वशी में रश्मिरथी में कुरुक्षेत्र में फिर सामधेनी में तो दोस्तों सही विकल्प आपका है सामधेनी सॉरी कुरुक्षेत्र मैंने सी कुरुक्षेत्र में निन्यानवे जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख यह जो है ए, किसकी रचना है आपको ये बताना है ठीक है ना तो आपका विकल्प है धूमिल केदारनाथ सिंह गिरिजा कुमार माथुर है भवानी प्रसाद मिश्र तो निन्यानवे का है डी भवानी प्रसाद मिस्र सौ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जाए सुमित्रा नंदन पंत की आ, किस रचना की भूमिका को छायाबाद का मैनिफेस्टो कहा गया है कहा जाता है गुंजन पल्लव ग्रामया फिर लोकायतन आप इसको जानते हैं कि छायाबाद का घोषणा पत्र जो है कि पल्लव को कहा जाता है ठीक है ना तो बी हो जाएगा आपका एक सौ एक नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं छायावाद के समर्थ में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक हैं सबसे पहले लेख किसने लिखा छायावाद के समर्थन में जयशंकर प्रसाद मुकुटधर पांडे श्रीधर पाठक या फिर नंदुलारी वाजपेयी तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी मुकुटधर पांडे एक सौ दो, दो देख लिया जाए आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है द्विवेदी युग में छायावाद में प्रगतिवाद में फिर प्रयोगवाद में तो एक का है बी ये रहस्यवाद जो कि छायावाद की विशेषता है एक सौ तीन देख लिया जाए तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं यह पंक्ति है किसकी है निराला की है गेय की है महादेव वर्मा की है फिर बच्चन की है तो एक सौ तीन का जो सही विकल्प है आपका है सी महादेवी वर्मा एक सौ चार हम लोग देख लेते हैं कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है मैंने कौन कवि या लेखक कलाधर उपनाम से रचना करते थे तो सुमित्रा नंदन पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेव वर्मा फिर जयशंकर प्रसाद तो एक सौ चार का आपका हो जाएगा डी जयशंकर प्रसाद एक सौ पाँच देख लिया जाए कि चंपू काव्य उर्वशी की रचयिता कौन है चंपू काव्य उर्वशी की रचयिता कौन है आपको ये बताना है ठीक है ना रामधारी सिंह दिनकर महादेव वर्मा सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद तो आपका हो जाएगा डी जयशंकर प्रसाद आप ध्यान रखिएगा उर्वशी जो है कि दिनकर जी भी लिखे हैं लेकिन वो चंपू काव्य नहीं है ठीक है ना ये चंपू काव्य इनका जयशंकर प्रसाद जी का है एक सौ छः देख लिया जाए एक सौ छः नंबर का जो क्वेश्चन है निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया श्याम सुंदर दास बालमुकुंद गुप्त प्रेमचंद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी तो आप भली भांति जानते हैं पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वह उसमें अश्लीलता का आरोप लगा करके जूही की कली को लौटा दिया था इस पर थोड़ा विवाद भी, भी हुआ था उन दोनों लोगों में आइए एक सौ सात देख लिया जाए मैं नीर भरी दुख की बदली महादेव वर्मा के उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह में हैं आपको ये बताना है एक सौ सात निहार रश्मि नीरजा फिर सांध्य गीत तो दोस्तों एक सौ सात का सही विकल्प है डी सांध्य गीत एक सौ आठ देख लिया जाए एक सौ आठ हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है हरिओद राम नरेश त्रिपाठी श्रीधर पाठक या फिर राधा कृष्ण दास तो सौ आठ का आपका है सी श्रीधर पाठक ये स्वच्छंदतावाद के कवि माने जाते हैं एक सौ नौ धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है 109 सौ तो एक सौ नौ का दोस्तों है बी राय आ, राय देवी प्रसाद पूर्ण ये जो हैं ठीक है ना बाकी ये तीन लोग नहीं हैं दसवां देखिए एक सौ दस त्रिशूल उप उपनाम से त्रिशूल उपनाम किसका है सुमित्रानंद पंत का है रामधारी सिंह दिनकर का है रामनरेश त्रिपाठी का फिर गया प्रसाद शुक्ल का है तो गया प्रसाद शुक्ल का त्रिशूल उपनाम है ठीक है ना एक सौ ग्यारह देख लेते हैं भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु संबंधी कौन सा कथन गलत है कौन कथन गलत है बाकी सब सही है तो आप देख लीजिए सीधे हम कथन पे आ जाते हैं एक सौ ग्यारह का सी ये कथन नहीं है सही ठीक है ना जीवन में मार्मिक सी जीवन में मार्मिक भाव व्यंजना चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ यह जो है इस कथन के अंतर्गत नहीं है बाकी सब इस कथन के अंतर्गत सही है 112 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं 112 नंबर घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है लाला भगवान दीन ने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो एक का आपका है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक है ना आइए 113 देख ले जाए शिवा को बखानु या बखानु छत्रसाल को में शिवा का अर्थ है शिवा का क्या अर्थ है शिवजी शिवाजी महादेव जी फिर बालाजी तो 113 का आपका हो जाएगा बी शिवाजी ठीक है ना वृंद सतसई का विषय वस्तु क्या है वृंद सतसई 114 सौ चौदह नायिका भेद है श्रृंगार है नीति है फिर भक्ति है किस तरह का ये जो है कि ये श्रृंगार सतसई रचना है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी ये नीति से संबंधित रचना है ठीक है ना आइए 115 देख लेते हैं मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं आपको ये बताना है शेख तकी रजब मुइनुद्दीन चिश्ती या फिर नूर मोहम्मद तो एक सौ पंद्रह का आपका हो जाएगा ए शेख तकी को मुस्लिम अनुयायी जो है दास का शिष्य मानते हैं आइए एक सौ सोलह हम लोग देख लेते हैं एक सौ सोलह नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं एक सौ सोलह दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं रामायणी पद बावनी या फिर साखी तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रामायणी ठीक है ना सत्रह रहीम किसके दरबार में कवि थे रहीम किसके दरबार में कवि थे पृथ्वीराज अकबर रतन सेन या फिर भोजराज तो एक सौ एक सौ सत्रह का आपका हो जाएगा बी अकबर के दरबार में थे एक सौ अठारह बसों मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है सब लोग जानते हैं काफ़ी चर्चित पंक्ति इसको विकल्प देने की कोई जरूरत नहीं है एक सौ अठारह का सी मीराबाई ठीक है ना आदिकालीन कवि एक सौ उन्नीस आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है क्या उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य सिद्ध साहित्य सिख साहित्य फिर नाथ साहित्य तो एक सौ उन्नीस का हो जाएगा सी सिख साहित्य का कोई जिक्र नहीं है आदिकालीन साहित्य में बाकी तीनों का जिक्र है ठीक है ना आइए पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं कौन आलोचक पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माने हजारी प्रसाद द्विवेदी नामोर सिंह रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा तो आपका एक सौ बी का हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल एक सौ इक्कीस रणमल छंद के रचयिता कौन है आपको बताना है भट्ट केदार हैं जो इंदु हैं मधुकर हैं फिर श्रीधर हैं तो दोस्तों सही विकल्प है श्रीधर ठीक है ना आइए एक सौ बाईस का देख लिया जाए भरतेश्वर बाहुबली रास इसमें से किस विधा किस काव्य धारा का ग्रंथ है ठीक है ना भरतेश्वर बाहुबली रास तो जैन साहित्य से है या फिर रासो साहित्य से है सिद्ध साहित्य से फिर नाथ साहित्य से तो एक सौ बाईस का हो जाएगा ए जैन साहित्य से एक सौ तेईस देख लिया जाए चंदन बाला रास के रचयिता कौन है चंदन बालारा जिन धर्म सूर विजय धर्म सूर जिन दत्त सूर या फिर आसग तो दोस्तों 123 का हो जाएगा डी आसग कवि हैं ठीक है ना 124 भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया आपको ये बताना है डॉक्टर नगेंद्र ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आचार्य राम नंद बिलारी वाजपेयी ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो चौबीस का आपका हो जाएगा एक का हो जाएगा डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक सौ पच्चीस रा ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है ठीक है ना ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है साहित्य है यह जो है इस संदर्भ में किस मनीषी का कथन है तो आपका विकल्प है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ठीक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद कटा हुआ है डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी होना चाहिए हैं यहाँ नगेंद्र भी छपा हुआ है दोस्तों ये मिसप्रिंट है लेकिन इसका जो सही उत्तर जो है यह आपका इसमें मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो 125 का आपका है बी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ये तीसरा जो विकल्प है ये मिसप्रिंट है ये छपा ही नहीं है इसलिए कुछ क्लियर नहीं पाया यहाँ यहाँ तो लग रहा है कि नागेंद्र का दिया हुआ है डॉक्टर नागेंद्र का लेकिन यहाँ ये न दिखाई दे रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है डॉक्टर नागेंद्र ही हो सकते हैं जहाँ तक लग रहा है ठीक है तो इस तरह से आपका 125 क्वेश्चन है दूसरा जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है इसका भले दो पार्ट में हुआ है प्रैक्टिस सेट दो लेकिन कोई बात नहीं हम लोग आज प्रैक्टिस सेट दो कंप्लीट किए अब इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट तीन का अध्ययन करेंगे अब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद